हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लंड्री दीदीमन। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से वैकेंसी निकली है जहां केवल महिलाओं की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। योग्यता यहां पर क्या मांगी गई है? यदि आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं है, 10वीं आपने पास कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। 12वीं हो आप तो भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन कर रखा है किसी ने, बीएड कर रखा है तो भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में ही जो है यहाँ पर वैकेंसी है। यहाँ आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई फीस नहीं लगने वाली है आप लोगों की, ना ही कोई इंटरव्यू आपका रहने वाला है। तो नोटिफिकेशन जो है वो कहां से रिलीज हुआ है? तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर से ये वैकेंसी आई है। इसी तरीके से हर जिले से जो है वो वैकेंसी जैसे आएगी मैं आप लोगों को सूचना देती जाऊंगी। जरूरी नहीं है कि जैसे अलवर जिले से 7 जुलाई को जो है ये विज्ञप्ति जारी हुई है तो हर जिले से जो है वो आएगी, क्योंकि जैसे जैसे आती जाएगी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। अलवर जिले के निम्नलिखित ब्लॉक में आशा सहयोगिनियों के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त 34 पदों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पर ब्लॉक वार जो है वो रिक्त पदों हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों के नाम है। जिस भी आंगनवाड़ी केंद्र में जो है वो आप लोगों को जाना है तो उसी के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो है ये जरूरी चीजें जो कि हम पढ़ने वाले हैं और इन्हीं को देखने के बाद जो है वो आप एप्लीकेशन कर पाओगे। कैसे एप्लीकेशन करना है, ठीक है, तो सारी चीजें हम डिटेल में यहाँ देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको जो है बताया कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर 10वीं जो है वो मांगी गई है। कम से कम आपने 10वीं तो की ही हो। इसके अलावा अगर आपने 12वीं, ग्रेजुएशन, बीएड, आरएससीआईटी या कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो मेरिट आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो जितने ज्यादा अधिक मार्क्स जो है वो जिस भी स्टूडेंट के बनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन जो है वह होगा। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की जो न्यूनतम आयु है वह 21 से लेकर 40 वर्ष तक जो है वो मांगी गई है। तो ध्यान से जो है वो आप लोगों को सारी चीजें जो है वो देखनी होगी। 2 ही पेजों की पीडीएफ फाइल है। फॉर्म में अगर कोई भी मिस्टेक आप करते हैं तो आपका आवेदन पत्र जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। 11 नंबर जो है यहाँ पर आपका सिलेक्शन जो है किस तरीके से होगा, तो आवेदन पत्र के साथ जो है वो अधिकतम शैक्षणिक योग्यता, जितनी भी जो है वो अधिकतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको लगानी है, ठीक है। जैसे कि किसी ने जो है वो 10th किया है, किसी ने जो है वो 12th किया है, उसकी अंक तालिका प्रमाण पत्र, किसी ने बीएड किया है या एनटीटी किया है या डीपीएससी डिप्लोमा किया है, जो भी क्वालिफिकेशन आपकी मैक्सिमम है वो आपको उसमें लगानी है। साथ में आपका जो है वो वोटर आईडी, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, और अगर आप किसी भी आरक्षित वर्ग से हैं तो उसका प्रमाण पत्र जो है आपको लगाना जरूरी है। अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र जो है वो आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास आशा सहयोगिनी के रूप में 1 वर्ष का जो है वो कार्य का अनुभव है तो ये जो है वो आप लोगों के लिए और भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ कोई भी आपका एग्जाम नहीं है, ना ही कोई इंटरव्यू है। मेरिट के बेस पर जो है वो आपका सिलेक्शन होगा। जिसके जितने अधिक जो है वो अंक बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आरएससीआईटी अगर आपने किया है, पीजीडीसीए किया है तो उसका प्रमाण पत्र भी आप लगा दें। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा का प्रमाण पत्र यदि लागू हो, ये सभी जो है वो दस्तावेज की स्व प्रमाणित प्रति, ठीक है, फोटोकॉपी लगानी है आपको। 13 नंबर देखो, आवेदन फॉर्म जो है संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। बाकी जितनी भी डिटेल है वो वेबसाइट alwar.rajasthan.government.in। तो कंप्लीट जानकारी जो है वो मैंने आप लोगों को दे दी है। समय से पहले आवेदन कर दें यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। थैंक यू।